मेरे बाप की बहन होने का लिहाज कर रहा हूं मैं आपका, वरना जो घटियापन अभी आप दिखा रही है ना, उसके बदले में मैं अंजाम की परवाह किए बगैर अभी आपको आपकी औकात दिखा सकता हूं। चाय लीजिए ना आप। जी शुक्रिया। हमारी बेटी माशाल्लाह बहुत समझदार है, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन तलाक के बावजूद भी अपनी सास की हमेशा तारीफें करती आई है। बस क्या करें, वो लड़का ही नशा करने वाला था और उसकी हकीकत का उसके मां बाप को बाद में पता चला। क्या करते, हमें अपनी बेटी को उस जहन्नम से निकालना पड़ा। बहुत सही फैसला किया आपने। अरे हानिया आ गई, आओ बेटे बैठो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी आपकी बेटी। जी बस दुआ ये है कि हमारी बेटी के नसीब भी प्यारे हो। आपका प्यार और शफकत मिलेगी तो आप देखिएगा हमारी बच्ची आपके घर को जन्नत बना देगी। तुम्हारी बेटी तो किसी के घर को भी जहन्नम बना सकती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। किस बात का बदला ले रही हो मेरी बेटी से तुम? आखिर मेरी बेटी का कसूर क्या था? तुम्हारी बेटी को तलाक उसकी अपनी वजह से हुई है, उसकी बदजुबानी, उसकी बेबाकी, उसकी बदकिरदारी की वजह से। पप्पू जान, बस यहीं रुक जाएं। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? तुम्हारी बहन की नाजेबा वीडियो वायरल नहीं हुई क्या? इसमें मेरे दामाद का क्या कसूर है? समीनो, पुप्पो जान आप ये गलत कर रही हैं। तुम तो चुप ही रहो कोमल, तुम इतनी मुनाफिक हो सकती थी मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम ही ने बताया था ना मुझे हानिया के बारे में, तुम ही ने तलाक करवाई थी ना हानिया को, और तुम ही ने राबेल और राफे का रिश्ता करवाया था, और अब तुम अपनी सास के साथ मिलकर मेरे दामाद के साथ। बकवास कर रही हैं आप ये सब। आपके दामाद को जान से मारने का प्लान था मेरा, सुना आपने? वो तो मेरे डैड ने उसे बचा लिया, वरना मैं भी उसे वैसे ही गोलियों से छिलनी करती जैसे उसने वासी को किया था। तुम इतनी बेबाक थी ये तो मैं जानती थी, लेकिन तुम इस तरह मेरे सामने जबान चलाओगी ऐसा नहीं समझा था मैंने तुम्हें। आपका शायद पहली बार अपनी टक्कर की लड़की से वास्ता पड़ा है पुप्पो जान, आप खुद को आईने में देख रही है। चलें जी यहां बैठकर करना भी क्या है। अरे भाई साहब रुकिए ना प्लीज, हमें कोई रिश्ता नहीं करना आपसे। बहन जी प्लीज बात तो सुने मेरी,
अच्छा नहीं किया समीना। अरे इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला था आनिया के लिए, और तुमने आते ही भाड़ में जाओ। तुम, तुम्हारी बेटी हानिया और उसके रिश्ते वाले। मैं कह देती हूं 24 घंटे के अंदर अंदर अगर राफे के ऊपर तुम लोगों ने जो केस किया वापस नहीं लिया ना, मैं तुम लोग को रोड पे घसीटूंगी, देख लेना तुम लोग। जवाब सुन के जाए पप्पू जान, राफे ने जो मेरे साथ किया है उसका अंजाम तो वो देख चुका है, लेकिन जो आप मेरी बहन के साथ कर रही है ना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा आपसे। तुम्हारी इतनी औकात होती ना तो। औकात? औकात किसे कहते हैं पप्पू जान? मेरे बाप की बहन होने का लिहाज कर रहा हूं मैं आपका, वरना जो घटियापन अभी आप दिखा रही है ना, उसके बदले में मैं अंजाम की परवाह किए बगैर अभी आपको आपकी औकात दिखा सकता हूं। पागल हो गए तुम सब लोग। देख लूंगी एक एक को, मैं देख लूंगी तुम लोगों को।